नमस्कार, मैं सोनी ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश व राज्य की 10 प्रमुख खबरें। डरा रही ओमिक्रोन की रफ्तार, देश में अब तक 781 लोग संक्रमित, अकेले दिल्ली में 238 मामले, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भड़काऊ बयानबाजी करने पर पुणे पुलिस ने कालीचरण महाराज समेत 5 पर केस दर्ज किया। प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल देशमुख के खिलाफ 7000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। बॉलीवुड सिंगर बादशाह ने गंभीर रूप से घायल सहदेव से की बात, कहा हर वक्त हूँ आपके साथ। छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ कई जगह गिरे ओले, बेमौसम बारिश से धान खरीदी हो सकती है प्रभावित। फ्रांस में एक दिन में सामने आए रिकॉर्ड 1.79 लाख कोरोना मामले, WHO ने चेताया हेल्थ केयर सिस्टम पर बढ़ेगा दबाव। मालेगांव ब्लास्ट मामले में गवाह ने कोर्ट में कहा योगी और RSS नेताओं का नाम लेने का बनाया गया था दबाव। मंत्री अमरजीत भगत ने बुलाई खाद्य अधिकारियों की बैठक, बारिश के कारण खराब हुई धान पर होगी चर्चा। चीन से व्यापार बढ़ाने पर राहुल गांधी का तंज, कहा झूठ ढोंग और दिखावा अपार, देश को अब झोला उठाने का इंतजार। पाकिस्तान के सिंध में बरपा निमोनिया का खतरा, 7462 मासूम बच्चों गवाई जान। ऐसे ही देश विदेश व राज्य से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।